फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब, जिसके लिए हमने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और 125 ग्राम चने की दाल, जिसको हमने धोकर अच्छे तरीके से रख लिया है। अब इसमें डालने के लिए मसाले, जिसके लिए हमने एक प्याज और कुछ लहसुन के जवे हैं 10-12, 4-5 साबुत मिर्च, 1 चम्मच जीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, तेज़पात, नमक और साबुत धनिया जिसका हमने दरदरा कूटा है, अदरक का टुकड़ा है, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची। अब हमने कीमे को और दाल को डाल दिया। इसमें हम मसाले डालेंगे जो हमने सब काट के और रखे हैं निकाल कर। इस सारे मसाले डालकर अब हम इसको उबाल लेंगे। इसमें पानी भी डलेगा, नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालें। इसमें हमने 2 मग पानी डाला है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे तरीके से गल जाएगा ये और इसका पानी अब सूख जाएगा, तो हम इसको अब पीस लेंगे। और इसमें तेज़पात और ये इलायची जो भी, इसको हम निकाल के बाहर रख देंगे। अब हमने गोशी पीस लिया है। अब इसमें हम एक प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब डालकर अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से मिल चुका है ये। अब हम इसके कबाब बनाकर टिक्की की तरह फ्राई करेंगे। हमने तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें हम कबाब तलेंगे। तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म है। अब हम इसका लो फ्लेम पर कबाब सेकेंगे। कबाब को हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकेंगे। जब ये सेक जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। एक अंडा मैंने अलग घोल लिया था अच्छे तरीके से फेंट कर। इसमें मैंने अलग कबाब तले हैं। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है अंडे में डिप करके अगर तलें तो। अंडे में थोड़ा सा नमक डाला था और अच्छे तरीके से फेंट लिया था। इसमें डिप करके मैंने कबाब तक अलग फ्राई करे हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए, हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं।